हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बनाएंगे साबुत मूंग का पराठा। साबुत मूंग बहुत ही हेल्दी होता है और इसके पराठे तो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। आज बनाने जा रहे हैं साबुत मूंग के पराठे। इसकी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आप रेसिपी को देखिए, मुझे विश्वास है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है और आप देखते ही इसे बनाएंगे। बच्चे भी इसके दीवाने हो जाएंगे अगर साबुत मूंग नहीं खाते हैं तो, वो भी इसे खाने लगेंगे। तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ले लिए हैं आधा कप साबुत मूंग। इन्हें 2 से 3 पानी से अच्छे से धो लेंगे। हाथों की मदद से रगड़ते हुए इन्हें 2-3 बार पानी से धो लीजिए। इसे 2-3 पानी से मैंने अच्छे से धो लिया है। साबुत मूंग को अब कुकर में डाल देंगे और 1.5 कप पानी डाल देंगे। इसमें पानी नापकर ही डालना है क्योंकि मूंग को हमें ज़्यादा नहीं गलाना है। अगर मूंग ज़्यादा गल जाएंगे तो पराठे अच्छे नहीं बनेंगे, इसलिए आधा कप मूंग अगर हमने लिए हैं तो उसके लिए 1.5 कप पानी डालेंगे और 1/2 चम्मच नमक डालकर कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। अब फ्लेम ऑन करके प्रेशर कुकर को रखेंगे और 3 विसल आने के बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे और जब तक विसल आती है तब तक हम आटा लगा लेंगे। पराठे के लिए आटा लगाना है तो इसके लिए मैंने ले लिए हैं 2 कप आटा। यहाँ मैंने मल्टीग्रेन आटे का यूज़ किया है। आप कोई भी सिंपल गेहूं का आटा ले सकते हैं। अब 1 कप पानी मैंने ले लिया है और इसे ही मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी और डो लगा लूँगी। यहाँ पराठों के लिए हमें ना तो सख्त आटा चाहिए और ना ही ज़्यादा लूज चाहिए। दो कप आटे के लिए यहाँ पर 1 कप पानी पूरा इस्तेमाल हो गया है। इस तरह से आप आटा लगा दीजिए। यहाँ ये ध्यान रखना है कि आटा ज़्यादा लूज़ ना हो। अगर आटा ज़्यादा लूज़ हो जाएगा तो पराठे अच्छे से नहीं बेल पाएंगे और फटने लगेंगे। पराठे बनाने के लिए हमें ख़ास बात ध्यान रखनी है कि आटा बिल्कुल सही गुथा हुआ होना चाहिए। देखिए इस तरह से बहुत ही स्मूथ होना चाहिए, ना तो ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गीला होना चाहिए। यहाँ मैंने डो तैयार कर लिया है। अब इसकी लोइयां तोड़ लेंगे। इन पराठों के लिए हमें भुना हुआ जीरा चाहिए, तो अगर आपके पास भुना हुआ जीरा पाउडर नहीं है तो आप थोड़ा सा जीरा लेकर के तवे पर सेक लीजिए और मिक्सर जार में पीस लीजिए। इस तरह से जीरा पाउडर आप तैयार कर सकते हैं। यहाँ मैंने कुकर का ढक्कन खोल दिया है। 3 विसल आने के बाद 5 मिनट रेस्ट करने के बाद आप कुकर का ढक्कन खोलिए। यहाँ देखिए ये इस तरह से एक एक दाना अच्छे से गल गया है। ये बहुत ज़्यादा गला हुआ नहीं होना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अगर बहुत ज़्यादा गला हुआ हो जाएगा तो पराठे में अच्छे से फिलिंग नहीं हो पाएगी, इसलिए इस तरह से ड्राई होना ज़रूरी है। तो जब भी आप कुकर से निकालें आप इसका पानी ड्रेन कर दें, जो बचा हुआ पानी है उसे आप निकाल दीजिए। और अब इसमें सूखे मसाले डाल दीजिए। 1 से 1.5 चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और 1/2 चम्मच गरम मसाला,
एक चम्मच सौंफ पाउडर, ये सब मसाले डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। साबुत मूंग के मसाले को इसी तरह से पोर्शन में हमने डिवाइड कर लिया है, जितने हमारे पास लोइयां हैं उतने ही पोर्शन में हमने मसाले को डिवाइड कर लिया। अब एक एक लोई लेते जाएंगे और उसमें थोड़ा सा ऑयल लगाने के बाद मसाले का एक एक पोर्शन फिल करते जाएंगे। इस तरह से मसाले का एक पोर्शन मैंने एक लोई को बेलकर उस पर रख दिया है। अब इसे हाथों की मदद से इकट्ठा करेंगे, इस तरह से चारों तरफ से इकट्ठा कर लीजिए और बीच में इसे बाइंड कर दीजिए ताकि सारे मूंग के दाने अंदर फिल हो जाएं, अच्छे से फिल हो जाएं और वो बाहर ना निकलने पाएं। अब थोड़ा सूखा आटा लगाकर हल्के हाथों से पराठा बेल लीजिए। पराठा बेलने में ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, अगर हम ज़्यादा तेज़ी से इसे बेलेंगे तो ये फट सकता है। इस तरह से पराठा बेलकर तैयार है। इसी तरह से हम सभी पराठे बेल लेंगे। सारे पराठे पहले बेल कर रख दीजिए। और इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि फिलिंग ज़्यादा ना भरे। अगर फिलिंग हमने ज़्यादा भर दी तो भी पराठा फट सकता है, इसलिए हमें थोड़ी थोड़ी फिलिंग डालनी है और उसे अच्छे से बंद करना है और हल्के हाथों से इसे हमें बेलना होगा। ज़्यादा प्रेशर लगाकर इसे ना बेलें। एक विशेष बात जिसका हमें ध्यान रखना है कि जो साबुत मूंग हम बॉईल कर रहे हैं वो ज़्यादा गल ना जाए, इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। थोड़े सूखे होने चाहिए तभी पराठा क्रिस्पी बनेगा, और नहीं तो पराठा बेलने में भी मुश्किल करेगा और बन भी नहीं पाएगा, अच्छे से वह नहीं बन पाएगा। इस तरह से सारे पराठे मैंने बेल लिए हैं, अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। पराठों को आप सेक लीजिए। ऑयल, बटर या घी जिसमें भी आप चाहें इसे अच्छे से सेक लीजिए। 4 से 5 बार अलट पलट करके आप इसे सेक लीजिए, गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो हमारा पराठा सिककर तैयार है। पराठे को पकाने के लिए मीडियम फ्लेम ही रखें, लो फ्लेम पर ये अच्छा नहीं सिक पाएगा और हाई फ्लेम पर ये जल जाएगा। साबुत मूंग का ये पराठा बहुत ही टेस्टी बनता है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए। ये बहुत ही क्रिस्पी होगा और टेस्टी भी होगा। बच्चे अगर मूंग खाना पसंद नहीं करते तो इस पराठे के साथ वह बार बार आपसे डिमांड करेंगे। ये मूंग का पराठा वाकई में बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाला है, आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिए और अपने अनुभव मुझसे शेयर ज़रूर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।